हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में, ये वीडियो व्लॉग टाइप का होने वाला है। इसमें बेसिकली मैं स्कूटी का, मेरे टायर जो है ख़राब हो चुका है, मतलब कि रेयर टायर जो है वो ख़राब हो चुका है। उसमें कई बार पंचर आ चुका है और 14,000, मतलब अप्रॉक्स 15,000 चल भी चुका है। जब से स्कूटी ली थी तब से ये टायर डला हुआ था। तो अब इस टायर को आज मैं चेंज करवाने जा रहा हूँ। तो मैं ये भी दिखाऊंगा आज आप लोग को शॉप पे जाके कि स्कूटी के लिए एक्टिवा, जुपिटर, जो भी स्कूटर से 10 इंचर्स, उनके लिए कौन से टायर जो है बेस्ट हैं। तो आज पहले मैं आप लोग को अपने स्कूटर के टायर की कंडीशन दिखा देता हूँ कि वो कैसी है। तो स्कूटर की सर्विस भी होनी है, तो टायर काफ़ी गंदा भी हो रखा है इस वक्त। तो इस वक्त इसमें ये टायर डला हुआ है, MRF जैपर। टायर तो अच्छा है और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि साइड से भी ये जो इसकी वॉल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये देखिए खरोचे आ चुकी हैं और क्रैक्स आ चुके हैं, क्योंकि ये जब पंचर हो जाता है तो वॉल पे ही सारा वेट आता है जब चलती है। और ये दो कई बार, 4-5 बार पंचर हो चुका है, जो मैंने आप लोग को पिछले एक मैंने 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था लगभग, जो कि था टायर प्रॉब्लम ऑफ माई एक्टिवा 125। तो उसमें ये प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि रिम थोड़ा सा बेंड हो गया था, फिर बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हालांकि अब फिर से प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे लग रहा है टायर की प्रॉब्लम है। तो मैं पंचर वाले के पास ले गया था इसको, तो उन्होंने ही बताया कि इसका जो ग्रिप है वो भी अब जा चुका है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब इस टायर को चेंज ही कर देते हैं। इसमें काफ़ी पंचर भी लग चुके हैं, लगभग मुझे लगता है 10-12 पंचर से ऊपर, 15-20 पंचर ही लग चुके होंगे इसमें, इतने पंचर लग चुके हैं इसमें। तो ये एक टायर है और ये पीछे 10 इंच है, बट 125 में आगे जो आता है वो 12 इंच आता है। बट आगे वाले की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है इस वक्त। इसके थ्रेड देखिए अभी भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो ये मुझे लगता है और चल जाएगा, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट वापस से मैं क्या, ये रिम मेरे काम आ सकती है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए उस रिम में कुछ लीकेज होती है या कुछ लीकेज निकल के आती है, अगर वो वहाँ पे जो है रिपेयर नहीं हो सकती है शॉप पे, तो फिर ये नई रिम लेनी पड़ेगी मुझको। तो नई रिम लेने से अच्छा है कि मैं ये रिम डलवा दूँ, खाली पड़ी है, घर में पड़ी रहती है, जंग खा रही है। इस रिम को अच्छे से साफ करवा के डलवा दूंगा। अगर डल जाती है तो मुझे लगता तो है कि ये ट्यूबलेस है। हाँ, इसमें ट्यूब नहीं है, अभी मैंने हाथ डाला तो इसमें ट्यूब नहीं है फिलहाल, और मुझे लगता है ये भी ट्यूबलेस ही है। तो इसमें ट्यूबलेस चल रहा था, इसका मतलब इसको भी ट्यूबलेस सपोर्ट करेगा। तो अगर मान लेता हूँ मैं कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा होता है कि ये वाली रिम खराब निकलती है, इस वाली जो लगी है, तो मैं ये वाली रिम डलवा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसलिए। तो चलिए, बाकी की बातें मैं आप लोगों से टायर शॉप पे चल के करता हूँ। तो फिलहाल निकलते हैं टायर शॉप के लिए। तो यही टायर है जो मैं लगवा रहा हूँ, और मैं बताया था मैंने 2-3 टायर शॉर्टलिस्ट किए थे। तो ये TVS का ड्रैगन जो यूरो ट्रिप है नया, तो ये टायर लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफ रोड पे भी अच्छा, थोड़ा ख़राब रास्ते भी अच्छा चल जाएगा और वेट में भी अच्छा चल जाएगा। इसके थ्रेड्स देख के पता चल रहा है, और अंकल बाकी बता ही रहे थे कि अच्छा चल जाएगा। बाकी अभी रिम का भी वो चेक कराना है, तो वो भी चेक करा ले। तो इस रिम में फिट करवा रहे, अंकल ने बोला कि वो वाली जो रिम है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें बैंड आ गया था। तो बैंड आने की वजह से इसमें टेपिंग वेपिंग होगी, फिर हवा लीक करती रहेगी, एट एंड प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें नहीं लगेगा, ये जो है स्पेयर में चला जाएगा और ये टायर जो है उसमें फिट होगा। ये जो रिम भैया लेके जा रहे हैं इसमें फिट होगा, और ये वो पुराना टायर पड़ा है। ये लगवा दिया टायर, फिट हो गया है, ये वो पुराने रिम में फिट हुआ है। तो इसका ये जो नॉब है ये चेंज हुआ है, बाकी सब वैसे का वैसा है।
एंड टायर काफी अच्छा चल रहा है। एंड अब ये वाला जो है ये निकाल दिया जाएगा और ये लगा दिया जाएगा बस यही है। और फास्ट हो गया था फाइल जो है 90 110। ये भी वही सेम साइज था 90 110 पर ये हमारे का जैपर था तो इसमें कुछ ही नहीं रहा यार। तो इसका ये होल जो है बड़ा है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसमें होल जो है छोटे रह गए तो इसको अब बड़ा करना पड़ेगा तब ये फिट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो नट्स हैं नए मॉडल में थोड़े से चौड़े दे दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो है ये पतले हैं और ये थोड़ा सा चौड़ा है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ होल नहीं करवाएंगे अब, इसको ऐसे ही चलने देंगे, इसी में फिट करवा रहा हूँ पुराने रिम में जो अभी लगा हुआ था रिसेंट में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके साथ तब फिर मैं इसको इसमें देखूंगा लगवाने का, बट अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं तो इसी रिम में लगवा दे रहा हूँ। क्योंकि अभी इसमें होल करना पड़ेगा और फिर उससे हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आए और दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा होल करने के लिए। तो अभी यही रिम लगेगा, अब इसमें इसको निकाल करके इसमें फिट करेंगे, उसको इसमें फिट कर देंगे, बस यही है। वैसे ग्रीस लगाई जाती है थोड़ी सी, इसमें फिट होगा ये टायर। इसमें एयर फिल होगी तो इसमें लगा देंगे, उसको मैं लेके वापस घर चला जाऊंगा और यहाँ पर टायर लग जाएगा इजीली। रख लिया और ये रही शॉप, अगर किसी को आना है तो प्लीज़ आ सकते हैं, यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है एंगल का और आपको सही टायर रेकमेंड करेंगे। यहाँ पे सारे ब्रांड के टायर मिल जाएंगे, कार से लेके ट्रैक्टर स्कूटी बाइक सबके, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी हो जाती है यहाँ पर, मशीन से ही होती है। एंड अब मैं चलता हूँ और चला के बताता हूँ थोड़ी दूर की टायर की ग्रिप कैसी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आ गए घर और टायर भी जाग गया और इसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ थोड़ा सा कि एक्सपीरियंस जो है अच्छा ही है, टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी मुझको। और ऑफ रोडिंग पे तो अभी टेस्ट करना है, वेट पे तो वेट पे भी टेस्ट करना है, अभी मैंने क्या नॉर्मल रोड पे ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन टेस्ट किया। तो आ गया हूँ टायर चेंज करवा के और टायर की ग्रिप मुझे अच्छी लगी, जैसे कि अभी मैंने नॉर्मल रोड्स पे ही चलाया है, थोड़े से ख़राब रास्तों पे चलाया है, तो ख़राब रास्तों के लिए तो टायर बना ही है। और ये रहा मेरा जो पुराना टायर है ये जैपर, तो इसमें भी नई वो लग गई थी क्लिप जिससे हवा भरते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस के लिए अलग आती है तो ये लगाई थी नई। बट इसके जो होल्स थे मैंने आप लोगों को जहाँ तक बताया कि होल्स की वजह से ये टायर मैंने नहीं लगवाया, अभी फ़िलहाल वही पुराना वाला लगा हुआ है स्कूटर में, जिसकी वजह से अभी कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही। और टायर की ग्रिप वेट में कैसी वो भी मैं चेक करूँगा, ब्रेकिंग अच्छी है हो रही है, ब्रेक लगा के देखे मैंने इंस्टेंट ब्रेकिंग भी अच्छी हो रही है और जो राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी है और कॉर्नरिंग भी अच्छी हो रही है। तो अभी कुछ दिन और चला लेता हूँ, अभी ज़्यादा तो चलाया नहीं मैंने टायर, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा रिव्यू कैसा है इस टायर का। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।